इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, जो भी आपके पास फंक्शन दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन की ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहाँ भी आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन है, दोनों में दोनों को ही लॉग से सेपरेटली डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, से इसे वाई एज्यूम कर लिया, वाई इक्वल्स टू यू प्लस वी एज्यूम कर लिया। ठीक है, वेयर यू क्या हो गया आपका, या हमने कह दिया कि ये जो u है, ये पहला टर्म ये u हो गया, तो लेट u इक्वल्स टू x की पावर साइन x एंड v इक्वल्स टू, ये लेट किया है तो ये लिख देना पड़ेगा, और u और v आपके डमी वेरिएबल हैं, कोई आपके पास कुछ y1 y2 मान सकता है, pq मान सकता है, ab मान सकता है ना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये y क्या हो जाएगा आपका, u प्लस v हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से डी यू बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब से दैट इज इक्वेशन नंबर वन एंड दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए डी यू बाई डी एक्स एक सेपरेट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, है ना, और डी वी बाई डी एक्स जब आप करना स्टार्ट करोगे, अगर मान लीजिए यहीं पर हम स्टार्ट कर दें करना, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपके कॉपी में नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं सेपरेटली डील कर लेते हैं, पहले एक डी यू बाई डी एक्स निकाल लेते हैं और फिर डी वी बाई डी एक्स निकाल के बाद में इस रिजल्ट को यूज़ करके ऐड करके हम आंसर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमारे पास क्या है, नौ, ठीक है, यू इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, एक्स की पावर साइन एक्स है, टेकिंग बोथ साइड लॉग, ये लिख देंगे, तो लॉग ऑफ u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log ऑफ x की पावर साइन x, और पावर की प्रॉपर्टी से साइन क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो साइन x यहाँ आ गया, यहाँ से रिमूव कर देंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ पर दो फंक्शन है, साइन x एक अलग है, log x अलग है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हम पार्टीशन कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ log u एंड कितना हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू log ऑफ x, ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे, दो फंक्शन है साइन x log x, क्या हो जाएगा ये आपका फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि u का फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा d बाई डी यू, लेकिन d बाई डी एक्स था तो इसे एडजस्ट करने पर डी यू बाई डी एक्स, ये हो गया आपका log ऑफ u। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ये वाला पार्ट, क्या हो जाएगा वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और log x का क्या हो जाएगा वन बाई एक्स, और प्लस log x और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, तो फाइनली आपका जो du यू बाई डी एक्स आ गया, ये u इस साइड में आएगा तो हम यही लिख देते हैं u टाइम्स, तो दैट इज du यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये ब्रैकेट में हो जाएगा और ये u टाइम्स हो जाएगा, लेकिन u क्या था आपका x की पावर साइन x था, तो आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे, हम यही कर दे रहे हैं x की पावर साइन x, तो ये आपका du यू बाई डी एक्स आ गया, दैट इज योर रिजल्ट नंबर वन। नाउ अब आपको डी वी बाई डी एक्स निकालना है, सेम वर्किंग सेम प्रोसेस, उतना ही मेहनत आपकी लगने वाली है। ठीक है, तो से v इक्वल्स टू साइन x की पावर cos x, टेकिंग बोथ साइड log, तो log ऑफ v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log ऑफ साइन x की पावर cos x है, तो पावर की प्रॉपर्टी से ये आगे चला जाएगा, cos x यहाँ आ जाएगा, यहाँ चला गया तो यहाँ से चल हट गया, इसको इस ब्रैकेट का भी कोई मतलब नहीं रहा है ना। अब क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log v, या हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है छोड़िए, क्या हो जाएगा यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ x log ऑफ sin x। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, कॉस एक्स है, लॉग ऑफ साइन एक्स है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट जैसे किए थे यू को, वैसे वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल, मतलब फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड का मतलब लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, मतलब फर्स्ट कितना हो जाएगा आपका डी बी बाई डी एक्स वन बाई बी, दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स और लॉग ऑफ, यहाँ पे चेन रूल है, एक्स फंक्शन है, फिर साइन एक्स है, साइन है और फिर क्या है लॉग है, तो सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन डिफरेंशिएट होगा पहले, तो वन बाई क्या हो जाएगा साइन, क्योंकि लॉग है सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन, फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, ये साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ चेन रूल बड़े आराम से लगाइएगा, फिर आपका क्या हो गया प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कॉस अपॉन साइन, हम लोग कॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट कुड बी रिटेन एज ए कॉस एक्स फिर कॉट एक्स और प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन एक्स और लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ये तो आपका हो गया, अच्छा ये वन बाई वी डी बी बाई डी एक्स है, ठीक, हमें तो डी बी बाई डी एक्स चाहिए, तो इनको ब्रैकेट में प्लेस करते हैं और वी को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है, वी यहाँ आ गया, यहाँ से हटा देते हैं, लेकिन वी हमारा डमी वेरिएबल है, ठीक है। ओरिजिनल वेरिएबल क्या है वी के करस्पॉन्डिंग, वो था साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। अब सिंपल है, ये रिजल्ट नंबर आपका क्या हो गया टू हो गया, दैट इज योर रिजल्ट नंबर टू। अब क्या करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, सॉरी ये रिजल्ट नंबर आपका रिजल्ट नंबर वन है, रिजल्ट नंबर टू, तो इक्वेशन इसे अलग देनी पड़ेगी, है ना, या इक्वेशन टू मान लीजिए ये है तो इसे थ्री दे देते हैं, रिजल्ट नंबर थ्री हो गया, रिजल्ट तो टू है लेकिन इक्वेशन थ्री है और ये इक्वेशन फोर है, तो फ्रॉम इक्वेशन टू से हम थ्री और फोर दोनों रिजल्ट रख देंगे वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ये मतलब एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस क्या हो गया आपका कॉस एक्स लॉग ऑफ एक्स, ये तो आपका डी यू बाई डी एक्स हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स एंड ब्रैकेट में आपका कॉस एक्स फिर कॉट एक्स, जो भी है कॉपी करना है सिर्फ, ये फाइनल आपका आंसर है साइन एक्स और फिर इनटू यहीं पे लिखेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स, तो काफ़ी बड़ा हो गया ना आंसर, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।